ठीक कर दें स्टार्ट। हाँ चलो। चलिए कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो हमारी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कीड़ा जड़ी पर, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप थापा सर। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे सर से पहला सवाल करते हैं कि सर, कीड़ा जड़ी क्या होता है? कीड़ा जड़ी एक औषधि है, ये जड़ी और बूटी दोनों है। ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक बहुत ही उपयोगी कीड़ा जड़ी है। जी सर, और सर इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग देखिए, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। ये मान के चलिए कि जितना बताऊँ उतना कम है। इसका उपयोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में है, दिल की बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर एथलेटिक्स भी इसका यूज़ करते हैं। चाइना में भी ये यूज हुआ था, जब ओलंपिक चल रहा था वहाँ पे, वो एथलेटिक्स इसका यूज़ कर रहे थे। और इसका ख़ास बात यह है कि इसका टेस्ट जब करेंगे अगर कोई डॉक्टर, तो पता भी नहीं चलता है कि इसने ये लिया है। कहेंगे कीड़ा जड़ी कैसा होता है? मेरे हाथ में कीड़ा जड़ी है और ये देखिए, ये कीड़ा है, इसके नीचे का हिस्सा देखिए, ये नीचे से पाँव है इसके, अगर आप देख पा रहे हैं, और इसका सर यहाँ पे है। देखिए, ये सर रेड कलर का दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर में ये बूटी है, इसको जड़ी कहते हैं नीचे और इसको बूटी कहते हैं। ये बिल्कुल कीड़े से ही बना है और इसके ऊपर में ये इसकी बूटी है, और ये धरती से ऊपर लगभग इतना दिखाई देता है, और बाकी जो धरती के अंदर ये हिस्सा, जड़ी वाला हिस्सा धरती के अंदर रहता है, और जब हिमालय क्षेत्र में ढूंढते हैं तो लगभग इतना दिखाई देता है और इतना भी दिखाई देता है किसी को। पहाड़ के जो लोग हैं वो किस तरीके से डिपेंडेंट हैं इस कीड़ा जड़ी पर? पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ये रोज़गार का साधन है, क्योंकि ये हर साल उगते हैं और एक सीजनल है, हर सीजन में ये उगता है, तो इस पर डिपेंड हैं, और इसमें दो या तीन महीने में साल भर की ये कमाई कर लेते हैं, अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। सर, मैक्सिमम सर ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए, जो ये 3,800 मीटर से 5,000 मीटर के जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, यहाँ पाया जाता है। यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, अगर हम कुमाऊं के क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं में भी किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? कुमाऊं में देखिए, कुमाऊं में हमारे पास दो अलग अलग क्षेत्र हैं। एक अगर आप कैलाश मानसरोवर वाले रोड में जाते हैं, इस तरफ को आपको मिलेंगे छतपैर है, रपकिया है, और ऊपर जाएंगे आगे सेला, और जितने भी ये रंग वाले जंगल हैं, रंग वाले एरिया यहाँ मिलते हैं। और इस वाले एरिया में आते हैं तो इस वाले एरिया में जैसे हम लोग जाते हैं, यहाँ मनुरथली से स्टार्ट होते हैं, नागनी कहते हैं, चैरथी कहते हैं, दोबाटी कहते हैं, और गुड़दाब कहते हैं, इन क्षेत्रों में पाया जाता है इधर को। और जैसे आगे जाते हैं हम लोग जौलजीबी की ओर, तो जौलजीबी से आगे जैसे हम मतकोट की ओर जाएंगे, मुनस्यारी की ओर जाएंगे, मुनस्यारी के क्षेत्र हैं वहाँ, बोना है, और भी उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। और आगे जाएं गढ़वाल में जो ग्लेशियर है हमारे, पिंडारी ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर, इसके पास में पाए जाते हैं। जी सर, तो सर जैसे जिस वक्त अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और पारी हमारा प्यारा सा नेपाल दिख रहा है, तो क्या नेपाल के लोग भी कीड़ा जड़ी लेने जाते हैं? बिल्कुल, जो ये आपको सामने नेपाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नेपाल तिब्बत के लोग जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मात्राएँ में कीड़ा मिलता है। जी सर, और सर खासकर सर किन मौसमों में हम कीड़ा जड़ी को लेने के लिए जाते हैं? देखिए, जैसे गर्मी का मौसम शुरू होने लगते हैं, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है पहाड़ों में, ये फरवरी मार्च से स्टार्ट कर लेते हैं, फरवरी से तैयारियां शुरू कर देते हैं, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक भी लोग रहते हैं, तो इन मौसमों में यहाँ कीड़ा मिलता है। और सर कितना समय रहना पड़ता है हिमालयों में कीड़ा जड़ी लेने के लिए? देखिए, डिपेंड करते हैं अलग अलग लोग कितना रहना चाहते हैं, वैसे 3 से 4 महीने रहते हैं लोग, मैक्सिमम लोग 2 से 2.5 महीने रहते हैं। सर आज का जो हमारा मेन जो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि सर हर साल कीड़ा जड़ी लेने के लिए जाते हैं, और एक कीड़ा जड़ी लाने वाला ही अपना एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से बता पाता है कि कीड़ा जड़ी लेने में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या तापमान रहता है वहाँ पे, क्या समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है। तो सर आपका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं कीड़ा जड़ी जाने के लिए, सबसे पहले तो जैसे ही न्यू ईयर लग जाता है, नया साल स्टार्ट हो जाता है, हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, और सभी के जहन में रहता है कि भाई अब सीज़न आ गया है, एक खुशियों की तरह माहौल, एक त्यौहार की तरह माहौल बन जाता है पूरे इस क्षेत्र में कि अब सीज़न आ गया है। इवन कि जो यहाँ काश्तकार ठेकेदार होते हैं, इनमें भी
शुरू हो जाता है कि भाई अब त्यौहार आ गया है, अब तैयारियां शुरू करते हैं। जैसे फरवरी बीत जाता है, मार्च आ जाते हैं, तो राशन ढोलना शुरू करते हैं हम। राशन को खच्चर और बकरियों के माध्यम से पहुँचाया जाता है पहले, और फिर हम लोग जाते हैं। जैसे हम एक गांव के हैं, जैसे हमारे गांव के लोग हैं, तो एक गांव के लगभग एक साथ जाते हैं। कोशिश करते हैं कि दो तीन दिन का सफ़र होता है, तो अगर सिंगल जाएं तो खतरा भी रहता है, वहां जंगली जानवर रास्तों में बहुत सुनसान जगह मिलेंगे और भी खतरा रहता है। तो हम गांव के लगभग 20 से 25 लोग एक साथ निकलते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे नाइट स्टे की बात करते हैं, तो टेंट लेके जाते हैं हम अपने साथ में। टेंट लगा के रास्तों में रुक जाते हैं, या फिर होटल भी हैं आजकल, तो कई लोग होटल मतलब टेंट डाल के ही होटल व्यवस्था करे रखते हैं रहने के लिए, वहाँ खाने के लिए। तो एक दिन वहाँ स्टे करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं। देखिए रास्ते में जाते जाते कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोग थक जाते हैं, किसी को ठंडा सूट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिनकी धड़कन से दिल से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको सूट नहीं होता है, वो वापस भी आ जाते हैं कई लोग रास्ते से बीमार होके। उसके बाद पहुंचने के बाद हम देखिए वहां पहुंचने के बाद जब हम टेंट लगाते हैं, जी सर, टेंट लगाने में भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्टार्ट में बर्फ़ रहता है वहां पे, कम से कम 4 से 5 फीट बर्फ़ रहता है, लगभग मान के चलिए यहाँ हमारे गर्दन तक बर्फ़ रहता है, लगभग उतना बर्फ़ साइट करना पड़ता है अगर स्टार्ट में हम जाते हैं। उतना बर्फ़ हटाने के बाद फिर टेंट लगाए जाते हैं, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये आसान काम नहीं है। तो इस तरह हम जैसा भी आपने बताया कि कुछ लोग आधे रास्ते से वापस आते हैं, तो दैट मीन्स आपको कहने का मतलब लोग जा ही नहीं पाते वहाँ तक, पहले हिम्मत हार के वापस आ जाते हैं। अगर हम उसको लगता है कि सूट नहीं हो रहा है, पांव थक गए, किसी के पांव सुन्न हो जाते हैं बॉडी से नीचे हिस्सा, तो वापस आ जाते हैं। सर जैसे आपने अभी तक बताया कि हम टेंट गाड़ दिया, हमने रहन सहन हमारा वहाँ शुरू हो गया, असली जो खेल है वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद क्या क्या? देखिए उसके बाद जैसे अब खान पान की बात है, खाने की व्यवस्था, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट लेके चलते हैं साथ में, और जैसे सब्जी के लिए हम एक साल पहले से सुखा के ड्राई करके रख लेते हैं, फिर उस सब्जी का उपयोग करते हैं, फिर दाल रोटी वहाँ पे यूज़ करते हैं, और केरोसिन तेल साथ में लेके, स्टोव साथ में लेके जाते हैं, स्टोव जलाकर फिर टेंट लगाकर हम लोग वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और फिर जैसे हमारी पूरी व्यवस्था हो जाती है, कई लोग लकड़ियों में भी बनाते हैं खाना, जब सूखी लकड़ियाँ, उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत नीचे हाइट पे डाउन आना पड़ता है, फिर लकड़ियाँ लेके जाते हैं, फिर लकड़ियों में भी बनाते हैं खाना। जी सर, और सर जैसे क्या जाते ही हमें वहाँ कीड़ा जड़ी मिल जाता है, या हमें उसके लिए भी बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है? नहीं, एकदम से नहीं मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि बर्फ़ की मात्रा कितनी है, बर्फ़ पिघली है नहीं पिघली है, और जैसे बर्फ़ पिघलने लगता है वैसे ही कीड़े मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता है कीड़ा, इतने आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक अच्छी खासी नज़र चाहिए होती है, देखने का एक तरीका होता है, तो सभी को नहीं मिलता है। कई कई दिन क्या होता है, खाली हाथ भी लौट आते हैं हम लोग, जैसे जाते हैं दिन भर ढूंढा एक भी कीड़ा नहीं, और उस दिन मानो बहुत ही सर दर्द रहता है, दिमाग बिल्कुल ख़राब, दिन भर भूखे प्यासे, फिर बिना कीड़े के भी आते हैं लोग। मतलब जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन आपको कीड़ा जड़ी मिल गया, थोड़ा मोटिवेशन फील होता है, अगले दिन और मोटिवेशन आता है, लेकिन जिस दिन नहीं मिला तो उस दिन लगता है कि यार मैं यहाँ पे क्यों आया। सही बात। और सर जैसे इसके बाद आपने बताया, तो सर आपने रहन सहन बताया, खान पीन बताया, तो सर वहाँ पर क्या सर्वाइव करने में भी दिक्कत आती है? बिल्कुल सर, ये मैंने स्टार्ट में कहा था, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ पे, बर्फ़ पड़ते रहते हैं, मान के चलिए जून के महीने में भी बर्फ़ पड़ता है वहाँ पे, जून के महीने में बर्फ़ पड़ता है, मतलब क्लाइमेट सूट नहीं होता है, और चट्टानों का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं उनको पार करना होता है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हुए हैं, इनमें कई लोगों ने जान भी दी है, अपने जान गंवानी पड़ी है कीड़े जड़ी के चक्कर में, और कई लोग बीमार हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इंसान वहाँ बीमार हो जाता है और चलने लायक नहीं रहता है, जब बोक के लाते हैं उतने दूर से 30 से 40 किलोमीटर, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में क्या करते हैं, सभी गांव वाले एक साथ आ जाते हैं फिर उनको बोक के लाके, तो ये आसान काम नहीं है, सबके लिए नहीं है, सबके बस की बात नहीं है।
दैट मीन्स आपको कहने का मतलब ये है कि कोई अगर वहाँ जाता है और वहाँ जाके बीमार हो जाता है तो वहाँ ना कोई हॉस्पिटल्स है, वहाँ इंसान ही नहीं है, सिर्फ चारों तरफ बर्फ बर्फ रहती है। जैसे भी आपने रहन सहन के बारे में बताया, सर्वाइव कैसे करते हैं उसके बारे में बताया, तो सर क्या कोई बैड एक्सपीरियंस भी आपने वहाँ जाके देखा या कुछ फील किया ऐसा? बिल्कुल, वहाँ पे देखो कीड़ा जड़ी जब ढूंढते हैं ये आसान काम नहीं है, इसमें जान माल का बहुत खतरा है, कई लोगों ने जाने गंवाई हैं यहाँ पे। हमारे सामने की बात है 2013 में क्या हुआ था, वहाँ पे अचानक लैंड स्लाइडिंग हो गई थी और उसमें करीब 4-5 लोग दब गए थे। और एक बार ऐसा हुआ कि ग्लेशियर में एक जो गर्ल थी वो गिर गई और उसको बचाने के चक्कर में दूसरा जो उसका जीजा था वो भी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और भी कई लोग, लगभग हर जगह मान के चले 50-60 लोगों की डेथ हो गई है। जी तो ये बहुत रिस्की काम है। सर आप बता रहे थे कि लाइटनिंग से किसी की आंख का कुछ बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, जब आसमान से बिजली चमकती है तो सामने रहता है क्योंकि हाइट बहुत रहती है, तो उसमें अचानक से सामने बिजली चमकती है, बहुत तेज़ लाइटिंग होती है आँखों में, उससे अंधापन भी हो जाता है। और हमारे सामने ही हुआ था, उनके जो पूरे परिवार में आया था एक टेंट के अंदर, तो क्या हुआ लाइट पूरे आँखों में पड़ गया और उसमें क्या हुआ अंधे हो गए थे। जी सर, सर जैसे भी आपने बैड एक्सपीरियंस बताया तो सर क्या वहाँ पे मोबाइल की फैसिलिटीज होती है, क्या नेटवर्क चलते हैं, क्या कनेक्टिविटी कर पाते हैं वहाँ पे? देखिए, जो वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो नेटवर्क बड़े मुश्किल से वहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ता है जहाँ पे 2G नेटवर्क चलते हैं, तब जाके हम अपने घर वालों से, अपने बच्चों से बात कर पाते हैं। सर जैसे जब आप इस बार कीड़ा जड़ी लेने गए, उससे पहले मैंने देखा कि जो आपका स्किन का टोन था, स्किन वो अलग थी, लेकिन जब वहाँ से आप वापस आए पहाड़ों से ऊपर चढ़कर तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, कालापन पड़ गया था, तो क्या सर स्किन पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, स्किन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है वहाँ के क्लाइमेट का, क्योंकि काफ़ी हाइट होने के कारण वहाँ जो हवाएँ चलते हैं बहुत तेज़ और बर्फीली हवाएँ चलते हैं, तो स्किन पूरा फट जाता है उसके वजह से। और जब धूप पड़ती है, बहुत हाइट है, धूप जब पड़ती है तो बहुत तेज़ धूप पड़ती है, इसे स्किन जला देती हो, दैट्स वाई क्या हो जाता है, चेहरा पूरा हमारा काला पड़ जाता है। और 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब वहाँ रहते हैं तो बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, दाढ़े मोज बहुत बड़े होते हैं, जब हम घर आते हैं तो हमारे बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते अपने मम्मी पापा को। तो कह सकते हैं कि हम 2-3 महीने के लिए आदि मानव बन जाते हैं, वापस हम सिविलाइज सोसाइटी में आ जाते हैं। तो सर जो कीड़ा जड़ी की जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, तो सर जब आप वहाँ से कीड़ा जड़ी लेके आते हैं तो सर मार्केट उसका प्राइस क्या है, कितने में बिकता है? देखिए, जब कीड़ा जड़ी लेके आते हैं तो डिपेंड करता है कि ग्रेड क्या है उसका, ग्रेड के हिसाब से रेट है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट की बात करें तो अच्छे ग्रेड की जो कीड़ा जड़ी है उसका कॉस्ट 50 लाख तक भी है, लेकिन हमारे इंडिया में जो अच्छे वेराइटी के, अच्छे ग्रेड के कीड़े होते हैं उसका कॉस्ट 15-20 लाख है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए जैसे 3000 पीस में 1 kg है तो 30 ग्रेड कह सकते हैं उसको, या 3000 ग्रेड का कहते हैं हम लोग। जैसे 2000 पीस में 1 kg हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 20 ग्रेड का कीड़ा है, तो इसके हिसाब से ग्रेड के हिसाब से रेट होते हैं। तो सर जब एक बार आप वहाँ से कीड़ा जड़ी लेके आते हैं तो फिर सर आप किसको बेचते हैं? देखिए, जैसे हम कीड़ा जड़ी लेके आते हैं तो हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र में लोकल के ठेकेदार रहते हैं, और जो हम कीड़ा जड़ी लेके आते हैं इसको हम लोग काश्तकार हुए, और जो जिनको कीड़ा हम देते हैं वो ठेकेदार हुए, तो हमारे आसपास में बहुत सारे ठेकेदार होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास अवेलेबल रहते हैं कि पैसा, वो लोग खरीदते हैं कीड़े। देन खरीदने के बाद नेपाल से, चाइना से, तिब्बत से व्यापारी आते हैं, ठेकेदार आते हैं, तो उनको ये लोग क्या करते हैं, उनको दे देते हैं। जी सर, तो सर क्या क्लाइमेट चेंज का कीड़ा जड़ी पर भी कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, असर पड़ रहा है। देखिए, स्टार्ट में जब हम लोग जाते थे 400-500, स्टार्ट में 90 के दशक में 400-500 कीड़ा एक ही दिन में लाते थे, एक दिन में व्यक्ति लाता था, बट आजकल एक दिन में एक कीड़ा भी ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो मैक्सिमम 30-40 पीस ला पाता है आज के डेट में, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी गंदगी कर रहे हैं, कूड़ा कचरा फैला जा रहे हैं वहाँ पे, जो प्लास्टिक वाले आइटम्स हैं वहाँ छोड़ जा रहे हैं, अच्छे से उनको डिपोज नहीं कर पा रहे हैं, एक सही जगह पे नहीं रख पा रहे हैं, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी डाउन हो रहा है और कीड़ों की संख्या में भी कमी आ गई है।
जग जाहिर बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी जो पृथ्वी है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और मानव सिविलाइज मानव जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वो तबाही मचाता है, और ये जो कीड़ा जड़ी है ये इसका और उदाहरण है। और क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज पर हम फिर बात करेंगे। और सर फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को कीड़ा जड़ी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ क्षेत्र के बारे में जो कीड़ा जड़ी है इसके बारे में बताने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। तो साथियों, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ों की जो सभ्यता है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो आप तक पहुँचे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।